गुनीजन सभा भारत की प्राचीन कला और परंपरा को उजागर करती एक ऐसी सभा जहां प्रसिद्ध कलाकारों के साथ होती है एक विशेष चर्चा और उजागर होते हैं कलाकारों से जुड़े कई दिलचस्प पहलू। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं उस्ताद इमामुद्दीन खान डागर, इंडियन म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी और द डागर आर्काइव्स जयपुर। गुनीजन सभा का सदस्य बनने के लिए या और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें शबाना डागर 99 29 87 86 04। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आज इस महफिल में मौजूद हैं, ऐसे लोग के जिनके सामने गाते बजाते हुए डर लगता है, बोलना तो दूर की बात, सबसे बड़ी बात मेरे गुरु जी बैठे हुए हैं सामने। हालांकि अपने गुरु जी के लिए मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जब ये होते हैं तो मेरी ताकत डबल हो जाती है। तो नहीं, अक्सर शागिर्द लोग अपने गुरु के सामने डर जाते हैं, मैं शेर हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ गलतियां भी होंगी तो वो संभाल लेंगे। वायलिन हमेशा से ही पाश्चात्य रहा है, विदेशी वादी रही, और इसका आविष्कार इटली में हुआ है, यूरोप में। स्ट्राडिवेरियस वायलिन के बहुत बड़े मेकर थे जिन्होंने वायलिन का आविष्कार किया 16th सेंचुरी में इटली में। वायलिन इंडिया में आया 18th सेंचुरी में, और सबसे पहले साउथ इंडिया में आया, बेंगलोर में आया। वो सबसे पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने वायलिन बजाया? उनका नाम था डॉक्टर वेलू स्वामी दीक्षित। बेंगलोर में, बेंगलोर महाराजा के यहाँ वो आर्टिस्ट थे और कुछ और इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, शायद वीणा बजाते थे। और धीरे 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 उसको उन्होंने कर्नाटक म्यूजिक में अपनी शैली में ढाला और बड़ा कमाल। उसके बाद फिर ये पूरे इंडिया भर में पॉपुलर हुआ। तो इस पर दोनों शैली आ गई, कर्नाटक म्यूजिक भी आ गया, नॉर्थ भी आ गया, और बहुत खूबसूरती से आया। जिन जिन लोगों ने इसको इंडियनाइज किया, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, क्योंकि उन सब की वजह से आज हमें वायलिन इस रूप में मिल रहा है जो मैं बजा रहा हूँ। दूसरा स्ट्रिंग है इसका डी, डी फॉर डायल, डी स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, और थर्ड स्ट्रिंग है इसको ए स्ट्रिंग बोलते हैं, ए, और लास्ट में जो हाईएस्ट है इसका, ये इसको ई स्ट्रिंग बोलते हैं। अब ये डी, सॉरी, जी डी ए ई नाम क्यों दिए गए? यही स्ट्रिंग का राज है। असल में वो स्ट्रिंग्स के नाम नहीं है, वो स्वरों के नाम है। जी एक स्वर होता है वेस्टर्न म्यूजिक का, फिर डी भी एक स्वर होता है वेस्टर्न म्यूजिक में, इसी तरह ए भी है और ई भी है। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया को छोड़ दीजिए, वायलिन की ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है और सारा वेस्टर्न म्यूजिक और दूसरा म्यूजिक इसी ट्यूनिंग पे बजाया जाता है। मा सा पा सा, इसको सा में भी कर देते हैं कुछ लोग। लेकिन इसका एक सिस्टम है कि ये मा सा पा रे क्यों रखा गया? देखिए भाई साहब जी, मेरी फिंगर्स को देखिएगा आप लोग। मैं कई बार जब बच्चों को सिखाता हूँ तो ये सवाल उठता है, क्योंकि कई बच्चों ने दूसरे ढंग से सीखा हुआ होता है। मैं उनको वापस स्ट्रीमिंग पे लेके आता हूँ तो वो कहते हैं कि जी फलाने गुरु जी ने तो उनको ऐसे सिखाया था, ये आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बात लॉजिकली करूंगा, अपनी तरफ से नहीं करूंगा कुछ भी। अब ऐसे बजाता हूं, गोइंग से नहीं बजाता। देखिए, मां, मां के बाद जो पहली उंगली तार को दबाती है वो पा नोट बनता है, पा बन रहा है। दूसरी उंगली से धा बनता है, तीसरी उंगली से नी बनता है। तो नी के बाद अगला स्वर क्या होना चाहिए? सा।
अगर ये माँ की जगह पा में मिला होता तो साथ दो बार आता क्योंकि पा, अभी सपोज इसको पा समझ लीजिए, पा धा नी सा और फिर वापस सा, तो दो बार क्यों? मेरे को किसी ने कहा था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड. दैट्स वेरी ट्रू, बिल्कुल किसी ने सच कहा था. और वो अभी जो ये मैंने परफॉर्मेंस दिया है उससे आपको अंदाजा भी हुआ होगा, इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे जो मुश्किल काम है वो है इसको शुरू में बजाना. उसका रीजन क्या है कि अक्सर इंस्ट्रूमेंट्स में फ्लैट्स बने होते हैं, पर्दे लगे होते हैं जिनसे कि सुरों की पहचान होती है, ये सा है, ये है, ये गा है. इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम प्लेन है, पता नहीं लगता सा कहाँ है, रे कहाँ है, गा कहाँ है. और दूसरे जो फिंगर रखने की जो जगह है, अगर बार बराबर भी वो आगे पीछे हो जाए तो सुर बेसुरा हो जाता है. तो इसलिए आपने जो सुनाया सही सुनाया, वायलिन इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट अराउंड. Mm-hmm.
गुनीजन सभा का सदस्य बनने के लिए या और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें शबाना डागर 99 29 87 86 04।